सुपर पावर अमेरिका को दे रहा था युद्ध की धमकी। बाइडेन का ठनका माथा ड्रैगन की हो गई घेराबंदी। भारत अमेरिका के बीच फंस गई जिनपिंग की सेना। जापान ने तैनात कर दी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। दोस्तों, चीन जिस तरह से पड़ोसी देशों की सीमाओं में घुसकर अशांति फैला रहा है, उससे वो खुद चारों तरफ से घिरता जा रहा है। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि उसने भारत को आंख दिखाने की जरूरत की है। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलते भारत ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। मोदी ने चीन को इस कदर घेरा है कि जिनपिंग का पसीना छूट रहा है। चीन भारत को टू फ्रंट वॉर में उलझा कर भारत में कब्जा करना चाहता था। भिखारी पाकिस्तान को लगा था कि वो चीन के साथ मिलकर कश्मीर पर अपना प्रोपेगेंडा चला लेगा, लेकिन भारत ने खेला ऐसा गेम कि पाकिस्तान का आका चीन खुद बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्या खेल खेला है? चीन के होश क्यों उड़े हुए हैं? जिनपिंग का सपना कैसे चकनाचूर हो गया है? तो दोस्तों, भारत ने दुनिया भर के देशों के साथ गठबंधन कर लिया है। इसके साथ ही चीन के जानी दुश्मन अमेरिका से भारत ने अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं। भारत क्वाड का एक्टिव सदस्य बन चुका है, जिसका मकसद चीन की चुनौती को सबक सिखाना है। वहीं भारत ने ताइवान मामले में चीन को क्लियर कर दिया है कि अगर चीन भारत की सीमा पर अशांति दिखाता है तो भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं करेगा। और उसने ताइवान विवाद के बीच ही चीन सीमा पर अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर दिया। चीन इससे तिलमिला उठा। चीन ने क्वाड को झटका देने के लिए जापान के खिलाफ रूस में युद्धाभ्यास की साजिश रची, तो भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत और अमेरिका के बीच गर्मजोशी देखते बनती है। अमेरिका भारत को अपने उन घातक हथियारों को देने को हो गया है जिन्हें वो किसी को नहीं देता है। सवाल उठता है कि इस बीच भारत अमेरिका की दोस्ती कितनी गहरी हुई है? दुनिया इस दोस्ती से हैरान क्यों हो रही है? तो दोस्तों, पहली बार भारत ने अमेरिका से 14 अरब डॉलर का गैस एवं तेल आयात किया है। वर्ष 2021-22 में अमेरिका चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। द्विपक्षीय व्यापार 119.42 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वर्ष 2000 से मार्च 2022 तक अमेरिकी कंपनियों ने कुल 54.1 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारत के समक्ष चीन की आक्रामक एवं मुखर चुनौती है। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच कोविड वैक्सीन आपूर्ति, जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकों, वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क क्वाड और अब I2U2 में सहयोग महत्वपूर्ण है। तीन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ करीबी रिश्ता रखने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बदलाव का नेतृत्व किया है। ईरान, रूस, चीन, अफगानिस्तान, यूक्रेन और व्यापार संबंधी मतभेदों के बावजूद भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं। करीब 50 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर अपने प्रसिद्ध भाषण से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अंग्रेजी कविता के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टीएस इलियट के वेस्टलैंड पर भगवद गीता का प्रभाव झलकता है। भारत के लोग अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का आभार जताते हैं, जिन्होंने 1943 में कासाब्लांका कॉन्फ्रेंस में भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से बातचीत की थी। हालांकि इस बातचीत में अमेरिका का पक्ष क्या था, इस विषय पर विवाद बरकरार है, लेकिन दोस्तों, इस वक्त की जरूरत के हिसाब से दोनों देश बेहद करीब आ गए हैं और देखकर ऐसा लगता भी है कि ये दोस्ती काफी आगे तक जाने वाली है। हालांकि अमेरिका पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसीलिए पीएम मोदी काफी सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। पर इतना तो है कि भारत के अमेरिका और यूरोप के करीब जाने से चीन का टेंशन हाई हो चुका है। अब चीन को तबाह करने के लिए यूरोप और अमेरिका ताइवान का सहारा ले रहे हैं। ताइवान के बहाने ड्रैगन को बर्बाद करने की प्लानिंग पूरी हो चुकी है और भारत ने भी इस मामले में अमेरिका को समर्थन दे दिया है, इसीलिए चीन की हालत खराब है। सवाल उठता है कि अमेरिका ताइवान की किस तरह से मदद कर रहा है, क्या वो सैन्य सहयोग देने को तैयार है? तो दोस्तों, चीन से तनाव बढ़ने के बाद अमेरिका ताइवान को 1.1 अरब डॉलर के हथियार बेचने की योजना बना रहा है। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ताइवान में अमेरिकी हथियार पैकेज में 60 एंटीशिप मिसाइल और 100 एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। यह खबर तब सामने आई है। चीन लगातार अपने युद्धपोतों और विमानों को ताइवान के जल क्षेत्र में भेज रहा है। ताइवान को अलग थलग करने और डराने के लिए चीन के प्रयासों की अमेरिका ने निंदा की थी। पेलोसी की यात्रा के जवाब में चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर और अभूतपूर्व सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसमें पहली बार द्वीप पर मिसाइलें दागना भी शामिल था। सूत्रों के अनुसार हथियार पैकेज संयुक्त राज्य अमेरिका ताइवान को दान करेगा, जो अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है, जिसमें 60 AGM-84L हार्पून ब्लॉक मिसाइलों की कीमत $355 मिलियन है।
100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल सामरिक AIM-9X ब्लॉक शामिल है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पैकेज में $85.6 मिलियन मूल्य की मिसाइलें और $655.4 मिलियन का एक निगरानी रडार भी शामिल है। अमेरिका के साथ से ताइवान का जोश हाई है और उसने किया है कुछ ऐसा कि चीन बौखला गया है। जिनपिंग को कुछ सूझ नहीं रहा है, ड्रैगन बिलबिलाने लगा है। तो आखिर ताइवान ने ऐसा क्या किया है जिस पर बवाल मच गया है? क्यों चीन बेकाबू हुआ जा रहा है? पूरी दुनिया क्यों बेहद खुश है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। अमेरिका के सहयोग से ताइवान का जोश हाई, चीनी ड्रोन्स पर कर दी गोलियों की बौछार। दोस्तों, पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी कर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। तब से चीन की घुसपैठ और उकसाने वाली कार्रवाइयां लगातार जारी हैं। चीन का एक ड्रोन ताइवान नियंत्रण वाले एक द्वीप में दाखिल होने का प्रयास कर रहा था। ताइवान ने पहली बार वार्निंग शॉट्स दागते हुए चीन की इस हरकत का जवाब दिया। गोलीबारी से ड्रोन वापस चीन लौट गया। इससे पहले 29 अगस्त को ताइवान ने चीन को आगाह किया था कि अगर कोई भी ड्रोन उसकी सीमा की तरफ आया या फिर उसने दाखिल होने की कोशिश की तो फिर उसे तुरंत गिरा दिया जाएगा। एक दिन बाद ही चीन ने अपना ड्रोन ताइवान की ओर भेजा और ताइवान ने वही किया जो उसने कहा था। PLA का यह ड्रोन ताइवान के नियंत्रण वाले किनमैप द्वीप की ओर बढ़ रहा था, जो चीन से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुछ दिनों पहले अमेरिका के 2 युद्धपोत अंतरराष्ट्रीय जल के माध्यम से ताइवान जल डमरू मध्य से होकर गुजरे थे। अमेरिकी नौसेना ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी थी। पेलोसी की यात्रा के बाद से ये इस तरह का पहला ऑपरेशन था। जाहिर है कि चीन इससे बेहद नाराज हुआ था और इस तरह की कार्रवाइयों को उकसाने वाला करार दिया था। चीन की नौसेना ताइवान जल डमरू मध्य से गुजरे अमेरिकी युद्धपोतों पर करीब से नजर रख रही थी। अमेरिका ने कहा था कि गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS एंटीएटम और USS चांसलर्स विले अंतरराष्ट्रीय जल के माध्यम से नेविगेशन की स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। US नेवी ने अपने माध्यम में कहा कि ताइवान जल डमरू मध्य के माध्यम से होकर गुजरना अमेरिका की एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। वहीं ताइवान ने साल 2023 के लिए रक्षा बजट में 13.9% का इजाफा किया है और यह $17.3 अरब तक पहुंच गया है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित बजट में $108.3 न्यू ताइवान नए एडवांस जेट समुद्री सुरक्षा और हवाई युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए रखे गए हैं। अब ताइवान का कुल रक्षा बजट $586.3 न्यू ताइवान हो गया है। अगले महीने से शुरू होने वाले संसद के सत्र में इस बजट को पास होने के लिए पेश किया जाएगा। इसी साल जनवरी में ताइवान ने $8.6 अरब का रक्षा बजट पास किया था, जो आने वाले 5 साल के लिए था। वहीं पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान में अमेरिकी नेताओं का तांता लग गया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी सीनेटर मार्सा ब्लैकबर्न ताइवान आई थी। अगस्त में ताइवान आने वाली यह चौथी राजनेता थी। ब्लैकबर्न अमेरिका के टेनेसी से रिपब्लिकन पार्टी की सांसद हैं, जिन्होंने ताइवान में खड़े होकर चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि हम झुकेंगे नहीं। इससे पहले इंडियाना के रिपब्लिकन गवर्नर एरिक होलकोम्ब भी ताइवान आए थे। अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल भी अगस्त के मध्य में ताइवान आया था। महीने की शुरुआत में नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे की खबर तो पूरी दुनिया को थी। अगस्त में ताइवान में अमेरिकी राजनेताओं का तांता लगा रहा, जिसने ड्रैगन के खिलाफ ताइवान के जोश को हाई कर दिया है। एशिया में एक तरफ चीन है, जो अपने लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, मिसाइलों और ड्रोन को आगे रखकर धमकी भरे लहजे में बात करता है, तो वहीं दूसरी ओर ताइवान है, जो हर मामले में चीन से छोटा है, क्या क्षेत्रफल, क्या क्षमता। लेकिन अमेरिका, जिसके साथ उसके औपचारिक संबंध भी नहीं है, का साथ पाकर छोटा सा देश भी ड्रैगन से टक्कर लेने को तैयार है। ताइवान अब आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहा है और लगातार चीन पर पलटवार कर रहा है। और इसकी शुरुआत अगस्त की शुरुआत अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा से हुई थी। आज उन घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं जो दिखाते हैं कि पेलोसी की यात्रा के बाद से ताइवान का जोश हाई है। दोस्तों, यूरोप के एक कोने में पिछले 6 महीने से एक युद्ध चल रहा है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन 24 फरवरी को शुरू होने से कई महीनों पहले यूक्रेन रूस सीमा पर जंग का माहौल बनने लगा था। सभी को लग रहा था कि रूस जैसी महाशक्ति के सामने यूक्रेन जैसा छोटा देश कितने दिनों तक टिकेगा। लेकिन पश्चिमी देशों के सहयोग से यूक्रेन ने न सिर्फ लड़ाई का रूख पूरी तरह बदल दिया, बल्कि रूस को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर अब हजारों किलोमीटर दूर एशिया में भी देखने को मिल रही है, जहां 2 देशों के बीच रूस यूक्रेन जैसा ही तनाव है और अंतर भी। चीन को भी इस बात का खौफ सता रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो हालत रूस की हो रही है, कहीं यही उसके साथ भी ना हो जाए। दोस्तों, कोई भी युद्ध जब शुरू हो जाता है तो किसका कितना नुकसान होगा, ये बता पाना बेहद मुश्किल है। और अमेरिका के समर्थन के बाद चीन का गुरूर उतर गया है। ड्रैगन को बर्बाद करने के लिए अमेरिका न केवल ताइवान
ताइवान बल्कि भारत की भी भरपूर मदद कर रहा है। हालांकि ताइवान और भारत में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर चीन भारत से टकराने की कोशिश करेगा तो इसका अंजाम बेहद भयानक होगा, क्योंकि आज का भारत बेहद ताकतवर है। भारत की सेना बहुत ताकतवर है और भारत के पास बेहद घातक हथियारों का जखीरा है। भारत दुनिया से हथियार तो खरीदता ही है, इसके अलावा वो खुद भी भयंकर हथियार बनाता है। इसके अलावा भारत के साथ दुनिया के तमाम देश खड़े हैं, इसी वजह से चीन हमला करने से डर रहा है। लेकिन अब भारत ने उसे कई मोर्चों पर घेर लिया है। जापान ताइवान उसकी बर्बादी का इंतजाम कर रहे हैं, इधर भारत तो है ही। तो दोस्तों, ताइवान के कदम और भारत की नीति पर आप क्या सोचते हैं? अपना सुझाव जरूर दें।